ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है। प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझे WhatsApp पर मैसेज कीजिए। हमें यहाँ पर दी हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, देख लेते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर रिवर्स में फोर ऑफ सॉर्ड्स मिला है। वन फाइनल कार्ड यहाँ पर हम निकालेंगे, एक आखिरी कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर कोई आपका शत्रु है जो षड्यंत्र लगातार आपके अगेंस्ट कर रहा है। ये आपके फैमिली के आसपास ही है, ये पर्सन आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है, दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक षड्यंत्र की क्लियर एनर्जीज विजिबल है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो भी ये पर्सन है ये कोई ना कोई प्रयास कर रहा है जिससे कि आपके ऊपर यह एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक कर सके। तो क्या किसी ने आप पर काला जादू किया है? यहाँ पर ये क्लियरली विजिबल है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो चुका है और ये अभी नहीं हुआ है, काफ़ी समय हो गया है। हो सकता है पिछले 12 सालों से आप इस ब्लैक मैजिक से परेशान हैं। 12 साल हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, 6 और 9, 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, इन टोटल पिछले 12 सालों से ये आप पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। जान लेते हैं कि जो भी वह पर्सन है वह आपको कितने सालों से लगातार, देखिए यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि वह पर्सन आपको पिछले 9 सालों से बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहा है और उसकी एनर्जीज जो हैं वो आपको परेशान कर रही हैं। तो यहाँ पर पिछले 9 सालों से वो चीज़ और ज़्यादा आप पर हावी हो गई है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत पहले से जानता हो और पिछले 9 सालों से ये आपके फैमिली के काफ़ी क्लोज आ गया है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को आप पर ब्लैक मैजिक करने के कारण बहुत से फाइनेंशियल गेन भी हो रहे हैं। फाइनेंशियल गेन के कारण ही यह आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। यहाँ पर कोई और भी है जो इस पर्सन को सपोर्ट कर रहा है। ये जिसकी भी एनर्जीज है, ये पर्सन किसी एक बहुत ही बड़े घर में अकेला रहता है और जो भी ये लेडी है इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा उस पूरे घर में बिखरी हुई हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो चैरिट कार्ड आया है। हो सकता है कि आपने रिसेंटली मैरिज का प्लान बनाया है या जब आपका विवाह हुआ है उस समय ये एनर्जीज जो है ये आप पर हावी हुई हैं। तो यहाँ पर आप पर जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है वो किसी न किसी के नोन टू के नॉलेज में ही ये चीज़ की गई है आपके ऊपर। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके कर्म कुछ ऐसे रहे हैं जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते कि जिसमें आपने कुछ ऐसा किया है कि आपको इन एनर्जीज से प्रोटेक्शन मिल सके। यहाँ पर ऐसा लगता है कि यदि आपके ऑरा स्ट्रांग होता, अगर आपकी एनर्जी खुद की स्ट्रांग होती तो ये कभी भी आपको इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती थी ये एनर्जी। तो आपका सोल कहीं ना कहीं वीक है या फिर प्रेगनेंसी हुई या आपके घर में बेबी हुआ उसके बाद से आपकी एनर्जीज वीक होते चली गई। तो यहाँ पर एक ऐसा टाइम आया आपकी लाइफ में जहाँ पर ये एनर्जीज आप पर हावी हो गई और इसका मुख्य कारण था कि आपका खुद का जो ऑरा है, खुद की जो एनर्जीज हैं वो बहुत वीक थी। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कोई और भी पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर है। क्या ये एक पॉजिटिव पर्सन है? अगर हम देखें तो यहाँ पर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, आप इसको वैल्यू भी करते हैं, लेकिन क्या है आगे यहाँ भविष्य? एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उनको इग्नोर करके आप अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पर आप जहाँ पर हैं वहाँ पर वो जो ब्लैक मैजिक आप पर किया गया है उसको आपको पहले ठीक करना चाहिए और आपका जो ध्यान है वो इस समय अपनी लाइफ में, हो सकता है कोई नया पर्सन आया है उसकी तरफ आपका फोकस है, लेकिन आपकी जो रियल समस्या है, जो ब्लैक मैजिक है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो करंट सिचुएशन है, ब्लैक मैजिक जो आपके आपके ऊपर किया गया है, पहले आप उसका सॉल्यूशन कराएं, अपने आप को यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित करें, उसके बाद आप अपनी लाइफ में जो भी नया प्रपोजल आता है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन तब तक आपको यहाँ पर अपना फोकस इस ब्लैक मैजिक पे लगाना होगा
इस ब्लैक मैजिक से सुरक्षित होना होगा, तभी आप इस कोई भी प्रपोजल आ रहा है, कोई नया बिजनेस प्रपोजल आ रहा है कि आप यहाँ पे कंपनी ओपन करें, कोई भी नई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, उसको उस पर इस समय ध्यान ना दें, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज हैं ये कभी भी आपका घर नहीं बसने देंगे। चाहे ये आपकी घर हो गया, चाहे कोई फैक्ट्री हो गई, चाहे कोई रिलेशनशिप हो गया, तो जो आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ऐसा होगा, ऐसा ये चीज़ जो ब्लैक मैजिक है ये कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, इन एनर्जीज से अपने आप को सुरक्षित करना होगा। देखिए यहाँ पर ये माता की एनर्जीज है और यहाँ पर एक जादुई स्टिक है और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो माता किसी न किसी को आपकी तरफ हेल्प के लिए भेज रही है, माता की एनर्जीज आपकी तरफ बढ़ रही हैं आपको सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर जब आपके आसपास ये ब्लैक मैजिक हट जाएगा, उसके बाद आता है हमें जजमेंट कार्ड, यानी कि उसके बाद आप अपने सफ़र पर आगे निकल सकते हैं। आप अपनी लाइफ में जिन लोगों को साथ लेके जाना चाहते हैं, जिन्हें अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, वह आप कर पाएंगे, लेकिन जब तक कि आप इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित नहीं होते हैं तब तक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपकी जो किस्मत है वो पूरे तरीके से इस पर डिपेंड करता है कि जो ये ब्लैक मैजिक किया गया है उससे आप कितनी सुरक्षित होकर निकल पाते हैं। थोड़ी सी और क्लैरिटी हम यहाँ पर लेंगे। जानते हैं कि जिसने भी आपके ऊपर आज से 12 साल पहले जो ये पर्सन था, जिसकी जो एक्चुअली आपकी लाइफ में पिछले 9 सालों से इंटरफेरेंस कर रहा है, लेकिन आपको जानता पिछले 12 सालों से है। जान लेते हैं कौन है ये पर्सन, थोड़े कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं इस पर्सन के। यहाँ पर हमें दिख रहा एक कार्ड जो है बैड हेल्थ को दिखाता है। ये पर्सन हो सकता है कि आपके घर में कोई हेल्प करने वाला है, और या फिर आपने कभी इसका कोई ट्रीटमेंट किया हो, आपका कोई पेशेंट हो सकता है, या फिर कोई डेड पर्सन हो सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं है और जिसका सोल आपके साथ है। तो यहाँ पर जो भी ये पर्सन है ये एक डिसीज्ड पर्सन हो सकता है, या फिर आपके यहाँ पर काम करने वाला कोई पर्सन हो सकता है जिसकी एनर्जीज यहाँ पर विजिबल है। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं हम। यहाँ पर हमें एक चाइल्ड का कार्ड भी आया है। ऐसा लगता है कि जब आप छोटे थे या तो उस समय ये एनर्जीज आप पर अटैक हुआ है इस एनर्जीज का, या फिर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है जिसके ऊपर ये एनर्जी पहले आई है और उसके बाद अब आपके ऊपर भी असर कर रही है। यहाँ पर हम देखें एक मैच्योर मैन का कार्ड आया है, कोई है जो ये सब चीज़ें जानता है, जिसे इसके बारे में नॉलेज है। आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है जो सिमिलर चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई हॉन्टेड जगह में हो सकता है, किसी ऐसे घर में आप रह रहे हैं जिसमें ये सब एनर्जीज प्रेजेंट है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक कंक्लूजन करना है। तो जान लेते हैं कि 12 साल पहले आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जहाँ से ये एनर्जीज आपके साथ आई हैं। यहाँ पर जो पहला कार्ड हमें टैरो कार्ड ने दिखा दिया है, जो फर्स्ट कार्ड है, वही यहाँ पर मेन रीज़न है। कोई डेड पर्सन है, कोई जो अब इस दुनिया में नहीं है या जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी एनर्जीज, उस पर्सन की डेथ के बाद उसकी जो एनर्जीज थी, हो सकता है कि वही इस समय आपके साथ है। अगर आप कहीं पे किसी हॉस्पिटल में, कहीं पे आप वर्क करते हैं, वहाँ पर कोई पर्सन किसी रोग के कारण उसकी जिसकी मृत्यु हो गई, हो सकता है कि उस पर्सन की एनर्जीज आपके साथ ही यहाँ पर आ गई। अगर आप कोई मेडिकल फील्ड में हैं, आप पेशेंट देखते हैं, तो ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है, या फिर यहाँ पर आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर ब्लैक मैजिकल। थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी लेते हैं, क्या ये कोई डिसीज पर्सन की, जो डेड पर्सन है उसकी सोल है, उसकी तरफ से कोई एनर्जीज हैं जो आपको परेशान कर रही हैं 12 साल से, या फिर यहाँ पर ये जो लेडी दिख रही है जो आपके यहाँ काम करती है, क्या ये उसकी एनर्जीज हैं, ये हम यहाँ पर क्लैरिटी लेंगे। कुछ यहाँ पर कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में से हम कुछ कार्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रिवर्स पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ मैसेज को दिखाता है, कोई आपकी हेल्प के लिए आ रहा है, तो ये तो आपके सर्वेंट की एनर्जी है, लेकिन ये रिवर्स में है तो ये आपका सर्वेंट नहीं है। यहाँ पर ये एनर्जी क्लियरली इस डिसीज पर्सन की है, जिसकी सेवा आप कर रहे थे, जिसको आप देख रहे थे। आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है, आपके मृत परिजन हो सकते हैं, आपके कोई हॉस्पिटल में जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे कोई पेशेंट हो सकता है, आपके कोई पड़ोसी हो सकते हैं जिसका ये सोल है जो आपको परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर
पिछले 12 सालों से ये एनर्जी आपको परेशान कर रही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी और क्लैरिटी लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब तक कि आप इस एनर्जी से अपने आप को फ्री नहीं करते हैं, तब तक आपको अपनी लाइफ में कुछ भी मेजर नहीं करना चाहिए। यदि आप कुछ भी अपनी लाइफ में नए लोगों को इनवाइट करते हैं, आपकी आप मैरिज करना चाह रहे हैं या फिर आपका अपना कोई बिजनेस है, तो आपको नहीं करना चाहिए। जान लेते हैं कि जो भी ये सोल है, जो भी ये प्रेत आत्मा आपके आसपास है, इस पर्सन की यहाँ पर हमें अभी तक जो मैसेज मिला है कार्ड्स का, जो ये पर्सन है डिसीज्ड पर्सन है, आपके पितर हो सकते हैं, आपके कोई मृत परिजन हो सकते हैं, कोई पेशेंट हो सकता है, किसी का आप ध्यान रखते थे वो हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी ये पर्सन है, इसकी जो सोल है, प्रेत आत्मा आप कह सकते हैं, वो इस समय आपके आसपास है। और अभी से नहीं, ये पिछले 12 साल आप मान के चले, हो सकता है कि 9 साल भी हुए हो गए हों, 3 साल 6 साल, लेकिन 12 साल मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पर दिख रही है। अब जान लेते हैं कि जो भी ये प्रेत आत्मा है, ये आपसे क्या कहना चाहती है। फाइनल कार्ड निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमें आप दिख रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा लगता है इस ऑफ कप्स में आपके पास एक कप है जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर भरा हुआ है, और यहाँ पर कुछ बर्ड्स दिख रही हैं जो यहाँ पे आप तो आपस में लड़ रहे हैं या खेल रहे हैं। यहाँ पर एक कैट दिख रही है, देखिए आप, एक क्रीचर है जो यहाँ जो पानी इससे गिर रहा है, उसको उस पानी को ये क्रीचर पी रहा है। ऐसा लगता है कि जो भी ये सोल है, ये जो भी प्रेत आत्मा है, ये एक पॉजिटिव वे में आपकी मदद नहीं कर रहा, ये डेफिनेटली नेगेटिव है। और जब से ये आपकी लाइफ में आया है, जब से ये प्रेत आत्मा आपके आसपास आई है, यहाँ पर क्लियरली है कि आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है इस सोल की वजह से, क्योंकि इसकी जो मृत्यु हुई है वो बीमारियों से हुई है। आप देख सकते हैं इस रस्सी को ऑलमोस्ट ये काट चुका है, तो अब यहाँ पर एकदम लास्ट का टाइम जो इसे कहते हैं, वो चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर ये जो प्रेत आत्मा है क्या कह रहा है कि आपके पास एक कप है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है, और मैं यहाँ पर आपके पास हूँ, और जो आप ये जो कप में से पानी गिर रहा है, मैं उसको यहाँ पर फीड कर रहा हूँ उस पानी पर। तो जो भी ये पर्सन है, आपकी बॉडी को पोजेस कर चुका है, जो भी ये प्रेत आत्मा है, ये बॉडी को पोजेस कर चुकी है, या फिर आपके घर में किसी और सदस्य की बॉडी में ये प्रेजेंट है। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज और आ रही हैं, लेकिन यहीं पर हम इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। ये जो भी एनर्जी है इस समय आपके ऊपर या आपके फैमिली मेंबर में किसी के ऊपर, ये एनर्जीज प्रवेश कर चुकी हैं। आपको यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ नोटिस होगी कि आपके घर में रनिंग वाटर बहुत ज़्यादा होगा, टैप जो है वो पानी उसमें से गिरता रहता होगा, और कभी ना कभी किसी ना किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती होगी घर में, इसका मुख्य कारण यही है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हो सकता है यहाँ पर उनके ऊपर भी इसका असर हो, क्योंकि हमें चाइल्ड का कार्ड भी यहाँ पर आया था। आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो सकता है जिस पर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा, जिस पर कंट्रोल कर रखा है इस एनर्जी ने, तो यहाँ पर कोई चाइल्ड है जो यहाँ पर इस एनर्जी के कंट्रोल में है आपके परिवार में। तो यहीं पर हम इस रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। अगर आपको भी सिमिलर एनर्जीज आपके फैमिली में, आपके आसपास नज़र आ रही हैं, तो आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करा सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, और पर्सनलाइज रीडिंग में आप अपनी कंडीशन को डिस्कस कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और आप माता की मंत्रित पोटली के लिए भी मुझे रीडिंग के दौरान बता सकते हैं। आपकी रीडिंग के टाइम पर ही माता की मंत्रित पोटली एडवाइस की जाती है, डायरेक्ट ऑर्डर्स पर नहीं दी जाती। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी, और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए पर्सनलाइज रीडिंग के लिए। जय माता दी, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय माँ काली।